नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल से आप परिचित हैं, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपके सम्मुख लेके आया हूं लोकसभा सामान्य चुनाव 2024। कल हमने एक प्रारंभिक वीडियो बनाया था जिसमें आपसे अनुरोध किया था कि आप अवश्य हमारे वीडियो देखें। वैसे तो पिछली लोकसभा के चुनाव में मेरा एक एक वीडियो ढाई ढाई तीन तीन लाख लोगों ने देखा है, तो चलिए इस बार फिर आप सबको इस चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए ये ट्रेनिंग सेशन के वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये स्लाइड जो गुजराती की दिखाई दे रही है उसका कारण ये है क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और हिंदी में बोलता हूँ तो आपकी समझ में तो सब आ जाएगा, लेकिन जो गुजरात के लोग हैं वो भी इसका लाभ ले सकें, इसलिए स्लाइड गुजरात की दिखा। ये हमारा चैनल है, उसका मुख्य पेज है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, इसका नाम है। मैं हूँ डॉक्टर हरि निवास और श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हूँ, अहमदाबाद में मैं स्थित हूँ। और ये चैनल जो है आपको लोकसभा की ट्रेनिंग के समय तो काम में लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप इसके साथ जुड़े रहें। देखिए, आपके बच्चों में अगर आप संस्कार का सिंचन चाहते हैं तो हमारे चैनल पे रामायण, महाभारत, चाणक्य नीति, विदुर नीति, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3000 से अधिक वीडियो है। सामान्यतः हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर पे कुछ ना कुछ टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी किचन में काम कर रही हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हों, फिर भी बैकग्राउंड में अगर इसका कोई वीडियो चल रहा है तो उनको बहुत अच्छे संस्कारों की प्राप्ति हो। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता भी है, मतलब आप संस्कृत की पूरी लाइब्रेरी यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ सभी चीज़ें बच्चों के संस्कार के लिए हैं और आपके लिए भी। यहाँ कामसूत्र जो महर्षि वात्स्यायन का है उसके ऊपर भी 100 से अधिक वीडियो हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो ये था हमारे चैनल का थोड़ा सा परिचय। आप इलेक्शन में तो इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके साथ जुड़े रहें, ऐसा आपसे अनुरोध है। चलिए, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, आपसे कहा तो मैं मानता हूँ कि ये जो मतदान है, ये जो चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। और ये एक ऐसा यज्ञ है, ये एक ऐसा उत्सव है जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जा रहा है। हम सब इसमें याज्ञिक हैं, जो यज्ञ करवाते हैं वो जवाबदारी हमको सौंपी गई। जो मतदाता आएंगे वो जब मत अपना डालेंगे तो आप ये मान लीजिए कि उनकी आहुति हुई और इस प्रकार से ये यज्ञ पूर्ण होना है। लेकिन किसी भी यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए सबसे बड़ी जवाबदारी याज्ञिक लोगों की होती है, याज्ञिक लोगों की होती है। तो आप ये मान लीजिए कि जो भी कार्य आपको सौंपा गया है, आपका ऑर्डर जिस चीज़ के लिए आया हो, आपका FPO के लिए आया हो, आप महिला पोलिंग ऑफिसर हैं, आपका पोलिंग ऑफिसर के रूप में PO के रूप में आया हो, आपका असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में आया हो, या आपका प्रिसाइडिंग पीठासीन अधिकारी के रूप में ऑर्डर आया हो, जिस रूप में भी आपका ऑर्डर आया है, आपको ये मानना होगा कि आप इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यानी अगर आप नहीं हैं तो इस टीम का सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने महत्व को स्वयं समझे और अपनी जवाबदारियों को समझे, इसके बाद कुछ भी करना रह जाता नहीं। ध्यान रहे, एक बार अगर आपके नाम का ऑर्डर आ गया तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप इससे बचने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, इतना बड़ा उत्सव है, अगर हम उसमें जुड़ते हैं, हम उसमें भाग लेते हैं तो अपने इस लोकतंत्र के लिए हमारी एक सेवा है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कारण है,
अगर कोई वास्तविक समस्या है तो आप अपनी समस्या को लेके जाएंगे, ऑफिसर आपकी बात को समझ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम कागज पे कुछ भी लेके जाएं, हम चेहरा कैसा भी बना के जाएं, लेकिन वास्तविकता जो है ना, हमारी आंखें वहां कह दे। और जिस बार आपसे ऑफिसर ने आंख में आंख डाल के ये पूछ लिया कि रीजन क्या है, आप कुछ भी दिखाते रहे, उसको मालूम पड़ जाता है कि वास्तविकता कुछ और है। और यही कारण होता है कि आप इसमें से बचना चाहते हैं तो बच नहीं पाते, इसलिए बचने की कोशिश ना करें। देखिए, कोई भी कार्य जिससे आप बच नहीं सकते हैं, आपको उस कार्य में पूरे उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप उत्साह के साथ जुड़ेंगे तो आपको ट्रेनिंग लेने में भी आनंद आएगा, आपको काम करने में भी आनंद आएगा। और बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है भैया, 2-3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं और उसके बाद एक दिन आप पहुंचते हैं, दूसरे दिन मतदान होता है, शाम को घर पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत लंबी जवाबदारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि वो इससे बचना चाहते हैं। चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो ड्यूटी है उसको आप ये मान लीजिए कि 4 भागों में बटी हुई है। पहला भाग जो है आपको ऑर्डर का मिलना और आपको ट्रेनिंग लेना, ये आपके लिए जरूरी चीज है। तो ऑर्डर आपको मिल गया, वो आपके हाथ में नहीं था, अब आ गया है तो काम तो करना है। हमारे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बड़े उत्साह के साथ इस कार्य को करते हैं, और वास्तव में जो लोग उत्साह के साथ इस कार्य को करते हैं वो एक महान कार्य करते हैं। ऐसा मैं आपसे एक नोडल ऑफिसर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपने देश से, अपने लोकतंत्र से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। चलिए, पहला उसका विभाग है कि आपके लिए ऑर्डर का आना और आपको ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग परफेक्टली आपने ली है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ली है तो आप अगर हमारे चैनल पे आ गए हैं तो यहां हर चीज की छोटी से छोटी जानकारी है। मैंने कल आपसे कहा था कि आप मेरा नंबर कम्युनिटी पे से लेकर के सेव कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि कभी भी आपको अगर कोई समस्या होगी तो वो नंबर आपके लिए हेल्पलाइन का काम कर सकता है। जो जानकारी या जो चीज, जिस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं होगा, संभवतः आपको मिल पाएगा। चलिए, पहला विभाग पूरा हुआ कि आपने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले ली है। दूसरा विभाग जो है वो आता है इलेक्शन से एक दिन पहले। जब आप पहले दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले जो आपका डिस्पैचिंग सेंटर वहां पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद सबसे पहले अपना ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद आप अपनी टीम के साथ इकट्ठे होते हैं, और फिर आप सारी सामग्री लेके जो मतदान बूथ आपको दिया गया है वहां पहुंचते हैं, और कल जो मतदान होना है उसके लिए सारी तैयारी करते हैं। ये आपका दूसरा फेज होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले फेज में ट्रेनिंग अच्छी तरीके से ली है तो दूसरा फेज बड़े आराम से निकल जाए, और पहला और दूसरा फेज जिसका अच्छा गया, तीसरे फेज में कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे जो कठिन फेज होता है वो तीसरा फेज होता है, और उसमें भी मॉर्निंग का समय, सुबह सुबह, क्योंकि आपने सब कुछ टेस्ट करके रखा है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक है, कहीं कुछ हो सकता है, सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सुबह सुबह हम उठने में थोड़ा लेट हो गए, या हमारे मतदाता थोड़े जल्दी आकर के लाइन में खड़े हो गए, तो कुछ पैनिक जैसा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में कई बार हम थोड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हमें जो करना है वो परफेक्टली करना है। एक कागज पे लिख के चिपका लीजिएगा कि सुबह उठने के बाद
मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 काम सबसे पहले करने हैं, उसके बाद ही कुछ भी होगा। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। और अगर ये तीसरा फेज जो आपका है कि सुबह सुबह मतदान प्रारंभ हो जाए तो पूरा दिन आपका बड़ी शांति से जाता है और मतदान बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे दिन कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, अगर कहीं ईश्वर ही साथ ना दे, वो आपको परेशान कर रहा हो, बीच में मशीन बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, तो थोड़ी समस्या होती है। लेकिन ये घटनाक्रम जो है ना, वो 1000 में से 10 लोगों के साथ ही ज़्यादातर बनता है, इससे अधिक का रेशियो नहीं होता है। हम जब नोडल ऑफिसर के रूप में इस काम को करते हैं तो वैसे तो हम 10% मशीन एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन फिर भी जनरली पूरे दिन में, अगर मैं एक जनरल आपको बताऊं तो 105-110 बूथ अगर एक एआरओ के अंडर में हैं, एक नोडल ऑफिसर के पास होते हैं, 125 तक भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इतनी मशीनें काम कर रही होती हैं, कभी 2 या कभी 4 मैक्सिमम 7 मशीन तक बदलने का नंबर आता है। तो ये जो रेशियो है ये बहुत कम होता है, इसलिए हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पैनिक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं हुआ है, वो जो कुछ हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसकी वजह से हुआ है। तो तीसरा फेज पूरे दिन मतदान का होता है, और अंतिम फेज होता है जब मतदान पूरा हो जाता है और सामग्री आपको वापस जमा करवाना है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब आप सामग्री वापस जमा करवाने जाते हैं तब बड़ा माहौल जो है वो हम खुद पैनिक वाला क्रिएट कर देते हैं। देखिए, पूरे दिन जो काम आपने किया है उस काम का रिजल्ट ये है कि आपको सारी चीजें जमा करवानी है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब आपको सामान दिया जाता है और उसके साथ जो एक कागज दिया जाता है कि इस जगह ये जमा करवाना, इस जगह ये जमा करवाना, ये खुला होना चाहिए कवर, ये बंद होना चाहिए कवर, ये सील बंद होना चाहिए कवर, या तो हम ध्यान नहीं देते हैं या सामने कुछ चीजें इस तरीके से बदल जाती हैं कि डिस्पैचिंग के समय पे अलग सूचनाएं होती हैं और जब रिसीविंग का नंबर आता है, यानी आपकी रिसीविंग का नहीं उनकी रिसीविंग का नंबर आता है, तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, इसमें समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन पैनिक करने से तो आप समझते हैं कुछ नहीं हो सकता है। वहां आप पहुंचे हैं, एक बार शांति से देख लीजिए कि जो कागज आपको दिया गया था उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं तो ओके, और अगर उस तरीके से नहीं है तो एक बार देख के और उस प्रकार से अरेंजमेंट कर लीजिए, जमा करवा दीजिए। ये जल्दबाजी मत कीजिए कि सबसे पहले मैं जमा करवा दूँ, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में आप अगर सबसे पहले भी जमा करवा देंगे तब भी आपकी डायरी और अन्य कागज जब तक चेक नहीं हो जाए तब तक आप वहां से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि परफेक्शन के साथ सारा काम हो और परफेक्शन के साथ उसको जमा करवाया जाए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, मान लीजिए आप घर भी चले गए तो आधी रात को भी फोन आएगा कि वापस आइए साहब, आपने ये गड़बड़ की है। पर जो गड़बड़ आपने की उसको आप ही सुधार सकते हैं, किसी एआरओ के पास ये सत्ता नहीं होती कि उस चीज़ को सुधार दे। इसलिए सारी चीज़ें परफेक्टली तैयार हों और फिर आप उस सामग्री को जमा करवाएंगे। इस प्रकार से ये 4 फेस में आपकी कामगिरी रहेगी, 7 फेस के चुनाव और 4 फेस की आपकी कामगिरी। अब मैं जब आपको वीडियो बताऊंगा तो मेरे सारे वीडियो इन 4 फेस के साथ ही होंगे, यानी पहले फेस की बात करूंगा, फिर दूसरे फेस की बात करूंगा और फिर तीसरे फेस की बात करूंगा और चौथे फेस की भी बात करूंगा। चलिए, तो आज ये आप मान लीजिए कि प्रास्ताविक वीडियो था जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। और पहले फेस में तो ज़्यादा समस्या नहीं है, मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपको ऑर्डर मिला, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग आपने नहीं भी ठीक से ली है या वहाँ पे जो समझाया गया नहीं समझ में आया, तो आजकल यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है
कि जिसके माध्यम से सारी चीज़ें बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा कि वहाँ के ट्रेनर इतने परफेक्ट नहीं होते हैं जितने परफेक्ट आप वीडियो से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि वीडियो में आपको जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी कुछ क्षेत्र में परफेक्ट हो सकती है, वास्तव में ट्रेनिंग जहाँ आप लेने जाते हैं वहाँ ट्रेनर जो सूचना देता है, क्योंकि वो एआरओ से संबंधित सूचना होती है, वो उसने अपने नियम बनाए हैं, उसको लगता है इस तरीके से काम होगा तो सरलता से काम होगा, तो आपको उनका पालन पहले करना ही होता है। उस समय आप ये नहीं कह सकते हैं साहब मैंने तो डॉक्टर हरिनिवास जी के वीडियो देखे थे और उसमें तो ये बात ऐसे कही गई है, आप ऐसे क्यों करवा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। उस समय आपको जो सूचना वहाँ से दी गई है उसी के अनुसार चलना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। कल एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।